वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का प्रत्येक राशि पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 1 जुलाई 2023 सुबह 1:52 पर मंगल ग्रह में सिंह राशि में प्रवेश किया था, जो 18 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। 18 अगस्त शाम 4:12 पर सिंह राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका सकारात्मक असर 3 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों की राशि मिथुन है, उनके स्वामी बुध माने जाते हैं, परंतु मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से बुध ग्रह मिथुन राशि के 6वें व 11वें भाव के स्वामी बन जाएंगे। इस समय मिथुन राशि के जातकों के पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मिथुन राशि के जातक अपने दुश्मनों को परास्त करेंगे और हर तरह की अड़चन को दूर करने में कामयाब होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि धनु है, उनके लिए मंगल ग्रह का गोचर धार्मिक यात्रा के योग लेकर आ रहा है। व्यापारी वर्ग के लोगों को इस दौरान अच्छा खासा फायदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है। यदि आप घर या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। घर में धार्मिक आयोजन के योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि मीन है, उनके लिए मंगल ग्रह का गोचर शुभ फलदायी माना जा रहा है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ में योग बन रहे हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।